हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल अपना एंटरटेनमेंट चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था टेक्स्ट एनिमेशन का पार्ट टू, तो ये इसी का पार्ट थ्री है। आज के वीडियो में हम देखेंगे टेक्स्ट एनिमेशन विथ मास्किंग। मास्किंग का यूज करते हुए हम टेक्स्ट में एनिमेशन देंगे, ठीक है। इस वीडियो की झलक मैंने लास्ट वीडियो में हल्की सी दिखा दी थी आप लोगों को, उसी वीडियो को आज हम पूरा करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों को ले चलता हूँ सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये टेक्स्ट जो है ये कटता हुआ दिखाई देगा। जैसे ये नीचे आएगी तो ये देखिए ये वीडियो कट के नीचे गिर गया। जो लास्ट वीडियो हमने देखा था टेक्स्ट एनिमेशन, उसी का ये पार्ट थ्री है। इसमें हम देखेंगे टेक्स्ट एनिमेशन विथ मास्किंग, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे ये हमारा वीडियो है इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे और जैसे यहाँ पे ले आके छोड़ेंगे तो एक ये नया कंपोजिशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये वीडियो यहाँ पे आ गया तो अब हमें क्या करना है, इस पे हमें टेक्स्ट लिखना है। तो हम यहाँ से आएंगे और एक टेक्स्ट लेयर ले लेंगे, ठीक है, जिसमें मैं लिख दूँगा DIY डाई। इसकी कलर को मैं कर देता हूँ वाइट और इसकी स्ट्रोक साइज जो है ना ये स्ट्रोक थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर दे रहा हूँ। तो अभी कुछ ज़्यादा हो गया, मैं इसे सिर्फ 10 रखता हूँ। कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ से साइज कम कर देंगे। ओहो, ये टेक्स्ट की साइज कम हो गई, हमें स्ट्रोक की साइज करनी है कम, ठीक है। तो ये डाई हो गया। इस डाई को हम कहाँ लाएंगे, तो एकदम से ये रॉड के पास, ठीक है। अब इसको इसकी हल्की सी जो साइज है ना वो कम कर लेते हैं, इसको 100 कर देते हैं। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके R प्रेस करेंगे और 1% की रोटेशन, मतलब 10% ज़्यादा हो गया, हल्का 3 रोटेशन डाल दिए, ठीक है। अब हमें वीडियो लिखना है, इसका डुप्लीकेट बनाएंगे, मारेंगे Ctrl D, डुप्लीकेट हो गया और इसको हम राइट कर देंगे। यहाँ से सिलेक्शन लेंगे और यहाँ से हमने यहाँ पे कर लिया और इस पे टाइप कर देंगे VI, सारा कैपिटल में कर देते हैं VIDE, ठीक है। और इसको हम इधर ले आएंगे, इस पे मास्किंग करेंगे। ये जो हमारा डाई है डाई पे मास्किंग करेंगे। उसके लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इस लेयर को और पेन टूल लेंगे। पेन टूल लेके यहाँ से ऐसे फिर ऐसे ऐसे इसको अच्छे से देखने के लिए तो 100% पे है ही, और आप जूम करके भी देख सकते हैं यहाँ पे और फिर यहाँ पे, ठीक है। एक लेयर बनाया, ठीक है। तो हम ये टेक्स्ट लेयर पे मार्क्स क्रिएट कर लिया। अब जो हमें इस मार्क्स में कोई चेंजेस करना होगा, ठीक है, तो हम यहाँ से जैसे यहाँ पे आए तो ये इधर हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जहाँ पे हैं Ctrl Z कर लिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हो रहा है ना, यहाँ तक हमारी थी परफेक्ट, ठीक। अब हम क्या करेंगे, मास पाथ पर एनिमेशन लगाएंगे और यहाँ पे आएंगे तो इस मार्क्स पाथ को ना सिलेक्ट करके हम सिर्फ मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे और इसको हल्का सा नीचे कर देंगे। फिर जब ये यहाँ पे आ जाएंगे, अभी यहाँ पे हैं, ठीक है, अब ये यहाँ पे आए तो देखिए हल्का सा जो यहाँ पे एडजस्ट है ना, तो उसको हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं।
यहाँ पे आएंगे तो फिर से हम उसको ऐसे एडजस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ तक सही है। यहाँ पे जैसे आए फिर से हम इसको ऐसे एडजस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे जब आएंगे तो हम इसको और ज़्यादा इतना एडजस्ट कर देंगे। फिर जब लास्ट में आएंगे तो हम इसको यहाँ तक एडजस्ट करेंगे। और फिर यहाँ पे जब आएंगे तो ये हम इसको पूरा पूरी DIY को ढक देंगे। ठीक है, तो अब हम जो देखेंगे तो ये देखिए ऐसे आया और धीरे धीरे ये DIY हमारी जो है वो कट गई। अब जब ये हो गया तो हम देखेंगे, ये देखिए जैसे DIY कट गई तो अब ये वीडियो जो है ये ऐसे कट रही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से वीडियो वाले पे आएंगे और ये देखिए ये वीडियो में क्या हो रही है, वीडियो ऐसे क्रॉस हो रही है। ठीक है, इसमें देखेंगे आप तो रोटेशन लगी हुई है। रोटेशन के देखिए ये यहाँ पे इतना है और यहाँ पे जब आया तो 28 डिग्री होगी और यहाँ पे 0 है, मतलब 2 है। ये देखिए 1.2। तो हमें भी अब इस रोटेशन पे जाना है और जैसे ही ये इतना पे आया तो वीडियो वाले पे हमें R प्रेस करेंगे रोटेशन। अब रोटेशन से पहले हमें क्या सेट करना है, तो हमारा जो ये एंकर पॉइंट है, ये एंकर पॉइंट हमारा इस पे होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जब इतने पे आए तो ये हो जाएगा 29। ठीक है, तो हम देखें इतना काम हो गया हमारा। अब आगे का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ये है, ये जैसे इतना आया और फिर ये गिरता हुआ। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पोजीशन, तो पोजीशन पे आएंगे, पी प्रेस करेंगे और यहाँ पे ऑन कर लेंगे और हल्का आगे जा कर के हम इसको क्या करेंगे, पूरा पूरी नीचे कर देंगे। और इस पे हम क्या करेंगे, ये ऑन रखेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम इस वीडियो को प्ले करेंगे तो ये देखिए ठीक है। आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम टेक्स्ट एनिमेशन विथ मास्किंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अगला जो वीडियो होगा हमारा, वो वीडियो का मैं छोटी सी झलक इस क्लास में आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगली वीडियो जो होगी हमारी वो इस तरह की होगी। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम मोबाइल ऐप के थ्रू वेदर को दिखाते हैं, तो वेदर ऐप एनिमेशन हम करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो लेके आता रहूंगा, तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आएगी तो आपको अपडेट्स मिलता रहेगा।